गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? मस्त, मैं भी एकदम सही हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज हम बात करेंगे प्लांट्स की। इससे पहले मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो टुडे वी विल लर्न हाउ अ प्लांट्स ग्रो। ठीक है, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम ये डिफरेंट हमें प्लांट्स से वेजिटेबल्स क्रॉप्स और जितना भी हम फूड आइटम खाते हैं मिलता तो है हमें प्लांट से, बट हाउ डज अ प्लांट ग्रो, ये प्लांट ग्रो कैसे करता है? ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपको बताया था, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर एक पार्ट होता है, जब आप फ्रूट सारा खा लेते हो तो क्या होता है उसमें, सीड्स। आम आप खाते हो, आम के अंदर गुठली होती है ना, तो गुठली इज व्हाट, गुठली इज द सीड ऑफ मैंगो। ऐसे ही एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, और आपने जो जितने भी ग्रेन्स खाते हैं, राजमा, चावल, गेहूं, और जितनी भी आप दालें खाते हैं, मटर, मूंगफली, सो ऑल दीज आर सीड्स, और इन्हीं सीड्स से एक नया बेबी प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, अब लेकिन हम देखते हैं कि बेबी प्लांट ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें असेंशियल हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत है, और ये किस तरीके से ग्रो करना शुरू करता है। लेट अस सी। सो बेसिकली दिस इज अ सीड, ये कोई भी हमने एक सीड लिया है। हाँ, इस सीड को क्या किया हमने, देखो ये क्या है, सॉइल। ठीक है, इस सीड को हमने थोड़ा सा सॉइल के नीचे दबा दिया, बहुत ज्यादा सॉइल के नीचे नहीं दबाया इसको, बस हल्का सा इसको सॉइल में दबा दिया हमने। हाँ, फिर देखिए थोड़ा सा सनलाइट मिली है, हाँ? और थोड़ा सा ये वॉटर इससे, और ये है हमारा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन है और इनको जो एयर चाहिए वो है। धीरे धीरे क्या होता है, इन्हीं सबसे, सॉयल में वाटर है, सनलाइट है, तो इससे जो हमारे ये सीड है इसके रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और फिर जब धीरे धीरे कुछ और दिनों बाद ये प्लांट, ये जो है बेबी प्लांट, ग्रो करेगा और इसमें से अब लीव्स निकल के आएंगी जो सॉयल के ऊपर, रूट्स हमेशा जमीन के नीचे होती है और इसके जो ये है स्टेम है, जो लीव्स है वो ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको ये दिखता है तो आप खुश होते हैं ना, हम भी बड़े खुश होते हैं कि ये बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट निकल रहा है। फिर धीरे धीरे और ये बेबी प्लांट बड़ा होता है और इसमें और लीव्स आ जाते हैं, और उसके बाद ये हमारी रूट्स भी साथ साथ बड़ी हो रही है, फिर रूट्स और बड़ी हो जाती है और अपने आप को बहुत अच्छे से जमीन में एंकर कर लेते हैं, और हमारा ये धीरे धीरे लीव्स बड़ी होती जाती है, और ये एक जो बीच का स्टेम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस पर बहुत सारी फिर ब्रांचेज हो जाती हैं, फ्लावर लग जाते हैं, और फ्लावर लगने के बाद फिर इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ठीक, तो जब सीड में से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, एंड नाउ बेबी प्लांट विल ग्रो। ठीक है, तो अभी तो बता दिया आपको बेबी प्लांट जो है किससे, सीड से ग्रो करता है, और सबसे पहले उसमें क्या निकलती है, रूट्स, लीव्स नहीं निकलती, सबसे पहले क्या निकलता है, रूट्स। लेकिन अब ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए चार पांच कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो क्या क्या है, सबसे पहला थोड़ा सा पानी और सनलाइट, ठीक है ना, और थोड़ी सी सॉइल। जर्मिनेशन आपका सनलाइट और मिट्टी के बिना शुरू तो हो जाएगा, कभी मम्मा ने देखा स्प्राउट्स बनाते हैं, स्प्राउट्स में क्या करती है, दाल हो गई, कोई भी दाल हो गई, चने हो गए, उसको भिगो के रख देती है रात में, और उसके बाद उसको एक कॉटन के कपड़े में बांध के रख दिया, तो वो सुबह तक जर्मिनेट हो जाता है, उसमें वो जो आपको निकला दिखाई देता है दैट इज़ अ रूट, वो रूट ही होती है। ठीक है, तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन आगे उसको ग्रो करने के लिए फिर हमको उसको सॉयल में लगाना ही लगाना। तो जर्मिनेशन सॉयल के बिना शुरू हो जाएगा, सनलाइट के बिना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको आगे ग्रो करने के लिए, लीव्स बनने के लिए वी नीड सनलाइट, वाटर, सॉयल एंड एयर। ओके, सो नाउ दीज आर, अभी मैंने आपको जर्मिनेशन के बारे में अच्छे से बता दिया है। नाउ योर होमवर्क इज, आपको कुछ सीड्स लेने हैं, उनको आपको 5-6 घंटे पानी में भिगोना है, एंड छोटे से आप पेपर कप लीजिएगा, पेपर कप में थोड़ा सा मिट्टी जो है, सॉइल जो है मम्मा से डलवा दीजिएगा, और उसमें वो सीड्स को डाल दीजिएगा, और उनको आप थोड़ा थोड़ा वाटर करना, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा, और 5-6 दिन बाद उसमें से जब सीड्स ग्रो करेंगे तो आप उनकी पिक हमें भेजिएगा, और उसका आप टेक केयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा बेबी प्लांट हो जाएगा जो आप अपने एनवायरमेंट के लिए अभी शुरू करें।
ठीक है. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स. बाय बाय.